सुप्रभात, मैं प्रकाश चंद्र पुष्पाप्रिका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानबत्ता, कक्षा नौवीं संस्कृत व्याकरण। इससे पूर्व आपको स्वर बताए गए थे, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के भेदों के विषय में बताया गया था। आज आपको व्यंजन के विषय में बताया जाएगा। सबसे पहले व्यंजन कहते किसे हैं, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण, ठीक है, कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्पष्ट लिखाओ, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उच्चारण के आधार पर वैसे जब हम व्यंजनों की संख्या बताएंगे तो व्यंजन होते हैं 33, व्यंजन 33 होते हैं, और गणना के आधार पर व्यंजन 33 और उच्चारण के आधार पर मुख्य तीन व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। उच्चारण के आधार पर मुख्य तीन व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, क्या कहता है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के दो भाग, कितने, मुख के दो भाग परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के ये दो भाग परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं। अब परस्पर, अब ये दो, ठीक है, दो भाग क्या है, जैसे आपके होंगे जिह्वा तो है ही, उसमें मुख्य जिह्वा की तो मुख्य भूमिका है, ठीक है, जिह्वा और उसके साथ दूसरा भाग, वो दो भाग होते हैं, एक तो जिह्वा होते, ठीक है, और उसके साथ एक दूसरा भाग। तो जैसे दूसरा भाग हो गया आपका क्या, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, ये सब, ठीक है, ये हो गए मुख के दूसरे भाग। कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के दो भाग एक परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, ठीक है, परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे का स्पर्श करते हैं, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श। स्पर्श व्यंजन क से म तक 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, क से म तक, क से म तक 25 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, इन स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है कवर्ग, कवर्ग में के व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ, ये हो गया। उसके बाद दूसरा वर्ग है चवर्ग, च, छ, ज, झ, य। तीसरा है कवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा है कवर्ग त, थ, द, ध, न। अंतिम है कवर्ग प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग में, यहां प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है, ठीक है, तो 5 वर्ग हैं, तो इस स्पर्श व्यंजन 5 का गुणा कर देंगे 5, 25 हो गई। तो इस प्रकार क से, ये क से यहां से शुरू हुआ है और म तक है, ठीक है, यहां शुरू कहां से, स्पर्श व्यंजन क से शुरू म तक। तो क से म तक जो 25 व्यंजन होते हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इन्हें
व्यंजनों के उच्चारण में जो है हमारे मुख के दो भाग एक परस्पर एक दूसरे का स्पर्श कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है अंतरस्थ व्यंजन। अंतरस्थ व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं। किसके? कहता है जो व्यंजन या जो वर्ण स्वर अथवा व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं उन्हें अंतरस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जो किस किस के बीच में स्थित होते हैं? स्वर और व्यंजन। जैसे उदाहरण से देखिए, य र ल व, ये हो गया आपके अंतरस्थ व्यंजन। उसके बाद है तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है ऊष्म गर्म, ठीक है। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? कहता है ऊष्म जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर के, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, ठीक है। जीवा से के द्वारा उसने रगड़ खाया और रगड़ खाने के बाद वो गर्म हो जाती है, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु गर्म हो जाती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन में आता है आपका स स स ह, ये सभी आपके ऊष्म व्यंजन कही जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला, तो तीसरा भेद है संस्कृत वर्णमाला का, तीसरा भेद है विसर्ग और चौथा भेद है अनुस्वार, वो आपको आगे बताया जाएगा।